बिहार में जैसे जैसे प्रवासी श्रमिकों की वापसी हो रही है वैसे वैसे यहाँ के हालात में भी बदलाव आ रहे हैं और इस बदलाव की वजह से वर्तमान बिहार सरकार से असंतुष्ट श्रमिकों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है और ये शिकायतें निश्चित तौर पर व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड के हरिपुर पंचायत में बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में काम करने वाले प्रवासी मजदूर जब लौटे तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं मिली। नतीजा उन्होंने एक निजी विद्यालय में शरण लिया और अब उनकी ये मांग है कि उन्हें भी सरकारी स्तर पर क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, क्योंकि सरकार क्वारंटीन सेंटर के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्था का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। अगर उन्हें सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर उन्हें उन व्यवस्थाओं का लाभ मिल पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मंजर आलम। क्या परेशानी हो रही है, कहाँ हैं आप अभी? हम लोग यहाँ हरिपुर के बाहर एक शिक्षा संस्थान बना हुआ है, एक एनजीओ द्वारा जी, हम लोग उसी में ठहरे हैं जी। हम लोग 14 तारीख को दिल्ली से आए यहाँ बिहार सरकार के अप्रूवमेंट के साथ जी। वहाँ से हम लोगों को भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरा गया जी। वहाँ से बाई बस हम लोगों को पूर्णिया लाए जी, गांधी मैदान में उतारा। उसके बाद वहाँ से सुबह 8 बजे हम लोगों को अमोर पहुँचाया गया जी। 8 बजे से लेकर हम लोग 6-7 घंटे हम लोगों को धूप में बैठा दिया। कोई कहाँ पे अमोर में कहाँ बैठाया? अमोर हाई स्कूल ग्राउंड में। अच्छा, हाई स्कूल स्टेडियम ग्राउंड में जी। हाई स्कूल स्टेडियम ग्राउंड। क्या तारीख था उस दिन? 16 तारीख को। ठीक, वहाँ पहुँच गए तो क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को वहाँ बैठा दिया धूप में, बोले कि आप लोगों को अभी कहीं भेजा जाएगा। 6-7 घंटा हम लोग को धूप में बैठाने के बाद भी कोई प्रखंड पदाधिकारी हम लोग के सामने नहीं आए जी। उस पर हम लोग जब परेशान होकर भूखे प्यासे हंगामा करने लगे तो पुलिस बुला लिया और पुलिस हम लोग को और धमकाने लगे कि ज़्यादा हंगामा करोगे तो अंदर बंद कर देंगे, लेके थाने में डंडा मारेंगे। क्या समझ रहे, कोई सब उल्टा पुल्टा बकने लगा। फिर हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, भूखे प्यासे परेशान हो गए, तो वहाँ से पैदल चल के अपने गाँव आ गए। गाँव के बाहर एक एनजीओ द्वारा निर्मित एक शिक्षा संस्थान में हम लोग आके बसे हैं और यहाँ हम लोग अपने से पका के खा रहे हैं। कितने लोग आए आप लोग? जो गांव के कोई भी प्रतिनिधि हमारे तरह हम लोगों के लिए कोई भी अभी कुछ हालचाल पूछने तक नहीं आए। अच्छा, कितने लोग आए थे उस दिन आप लोग? हम लोग उस दिन 14। कितने लोग आए थे? 16 आदमी आए थे। 16 आदमी मतलब प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे, वहाँ मुख्यालय में स्टेडियम में जी। जो बस से आए थे बजपता पूर्णिया स्टेडियम से, उसके बाद आपका कोई सुधी लेने वाला तैयार नहीं हुआ? वहाँ कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं हुआ। हम लोग धूप में काफी भूखे प्यासे परेशान हो गए थे। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या राह चुना कि अपने से चलना चाहिए? क्या करेंगे जब हम लोग को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो हम लोग सोचे कि चले अपने गांव चलते हैं। गांव आए तो सोचे कि घर जाएंगे तो हमारा हो सकता है हम लोगों में कोई संक्रमण हो, इससे हमारे परिवार को नुकसान होगा, हमारे समाज को नुकसान होगा। यही सोचते हुए हम लोगों ने यहाँ एक एनजीओ द्वारा शिक्षा संस्थान बना हुआ था हमारे गाँव, वहाँ शरण ले लिए जी। अच्छा, आपके साथ जो 16 व्यक्ति थे वो किस पंचायत के हैं? अमोर प्रखंड के? वो हरिपुर पंचायत के। सभी हरिपुर पंचायत के थे सर? कहीं खाली नहीं है, उसी दिन बता दिया कहीं खाली नहीं है, जिसको खाली नहीं चले है जाओ। तो अदर पंचायत है अमोर प्रखंड है, कहीं और भी क्वारंटाइन में भेजेगा तो आप लोग जाइएगा ना? हाँ जाएंगे। तो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो आप लोग को वंचित होना पड़ रहा है। क्या सब सुविधा मिलता है बिहार सरकार से, पता है आपको? सरकार से जो क्वारंटाइन में जो फैसिलिटी सरकार ने अलॉट किया है, जिस तरह से खाने पीने का हो, कपड़ा है और भी तेल साबुन वगैरह क्या क्या जो प्रोवाइड किया है बिहार सरकार ने। अच्छा, काम काज को लेकर के भी सुनते हैं क्वारंटाइन सेंटर में? काम धंधा को लेकर तो सर हम लोग इतना ये है कि हम लोग बाहर बड़ी मुश्किल से बहुत परेशानी में जाते हैं, वरना कोई भी अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जॉब कार्ड बनना चाहिए जी। जी, हम लोग का जॉब कार्ड बनना चाहिए ताकि हम लोग को यहाँ अपने बिहार में ही अपने समाज में हम लोग को रोजगार मिल सके। वो सारी सुविधाएं हैं, रहने सहने का इंतजाम, कमरे हैं, किचन है, छह कमरा है, शौचालय वाले की दिक्कत नहीं ना है? शौचालय का दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जो आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे 27-28 की संख्या में, ये सभी लोगों को यदि प्रशासन की ओर से किसी और जगह विरमित किया जाए, किसी अन्य क्वारंटाइन सेंटर में, तो क्या जाना पसंद करेंगे ना? बिल्कुल जाना पसंद करेंगे सर, वहाँ जाके हम लोग का जॉब कार्ड बनेगा, हम लोग का मेडिकल होगा। अच्छा अच्छा जी, तो यहाँ आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करो, और हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा समाज बचा रहे, हमारा बिहार बचा रहे। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ आकर के अपने से मतलब ये कि ताकि हमारा समाज बचा रहे, गांव बचा रहे, और गांव के लोग जो हैं वो लोग भी अच्छा हम लोग को कोऑपरेट करते हैं कि अगर हमारा बिहार सरकार हमारा अगर कोई यहीं पे जॉब ये करे तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे सर। बिहार तो हम बाहर तो हम मजबूरी के वजह से जाते हैं ना, रोजगार मुहैया होगी तो आप लोग रहेंगे यहीं पे सर। क्यों? अगर इन मजदूरों की शिकायतें सच है तो निश्चित तौर पर यह वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। कोसी आलोक के लिए अमोर से सनोज कुमार की रिपोर्ट।